हाय, हेलो, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में समझते हैं कि हमारे हार्ट में, हमारे हृदय में महाधमनी, महाशिरा, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस शिरा, बायां अलिंद, दायां अलिंद, बायां भाग, दायां भाग क्या होती है, सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छी से जानकारी देते हैं। समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। थोड़ा सा आपके स्क्रीन पर एक सिंपल और साधारण सा हार्ट का फोटो दिख रहा होगा, बहुत ही साधारण। ये सबसे सिंपलेस्ट हार्ट का ये फोटो है। तो चलिए इसमें आपको समझाने की हम कोशिश करते हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखिए हमारा हार्ट, ये दिख रही है आपको, ये हार्ट है। ये हार्ट के दो भाग होते हैं, हार्ट के दो पार्ट होते हैं। इस बायां भाग को बायां हिस्सा कहते हैं, इस बायां पार्ट को क्या कहते हैं, बायां हिस्सा कहते हैं, और इस दायां भाग को दायां हिस्सा कहते हैं, इस दायां भाग को क्या कहते हैं, दायां हिस्सा कहते हैं, दायां भाग को दायां हिस्सा कहते हैं और बायां भाग को बायां हिस्सा कहते हैं। ये जो बायां भाग आपको दिख रहा होगा, ये बायां भाग है, ये बायां भाग हमारे हार्ट का, ये बायां भाग है। इस बायां भाग के भी दो पार्ट होते हैं, इस बायां भाग के भी दो पार्ट होते हैं। ऊपरी पार्ट को दायां अलिंद कहते हैं, ऊपरी पार्ट को दायां अलिंद कहते हैं, और निचली पार्ट को ऊपरी पार्ट को बायां अलिंद कहते हैं और निचली भाग को बायां नीला कहते हैं। सॉरी, अगर कभी वीडियो में कोई दिक्कत हो तो, अगर कोई कहीं अगर हमसे गलत बोला गया हो, बोल दिया गया, तो प्लीज़ आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। हो सकता है कि एक दो बार बोलने के बाद रिकॉर्ड हो जाता है, तो फिर वहाँ पे करेक्शन नहीं हो पाता है, तो इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो चलिए, ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, बायां अलिंद कहते हैं, और निचली भाग को बायां नीला कहते हैं। उसी तरह ये जो आपको दायां पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला दायां पार्ट, ये दायां पार्ट हमारे हार्ट के जो दायां पार्ट आपको दिख रहे होंगे, ये दायां पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये दायां पार्ट, यहाँ से ये दायां पार्ट, ये पूरा दायां पार्ट है हमारा। इस दायां पार्ट के भी दो पार्ट होते हैं, यहाँ से दो पार्ट। ये ऊपरी भाग को दायां अलिंद कहते हैं और निचली भाग को दायां नीला कहते हैं। ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, दायां अलिंद कहते हैं, और निचली भाग को दायां नीला कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये एक मिनट इसको रब करके सोचता हूँ यहाँ पे। हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो ये हमारे लंग्स, हम लोग जब जो सांस लेते हैं, वो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जो लेते हैं, वहाँ से ये हमारा जो, वहाँ से ये ऑक्सीजन ब्लड में जाते हैं, वहाँ से इस थ्रू फुफ्फुस शिरा से होते हुए, ये प्योर ब्लड, यहाँ पे लिखा हुआ प्योर ब्लड, ये फुफ्फुस शिरा के द्वारा हमारे सबसे पहले दायां अलिंद में आते हैं। एक एक बातों को आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है, मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा हम जो बोल रहे हैं, ठीक है। फिर से बताते हैं आपको, ये लंग्स आपको फेफड़ा यहाँ पे दिख रहा होगा, ये फेफड़ा में हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे सबसे पहले ये जो बायां अलिंद आपको दिख रहा है, ये बायां अलिंद में जाते हैं, यहाँ पे बायां अलिंद में जाते हैं। किसके द्वारा जाते हैं, ये फुफ्फुस शिरा के द्वारा जाते हैं, किसके द्वारा जाते हैं, फुफ्फुस शिरा के द्वारा जाते हैं। अब फुफ्फुस शिरा में बताइए, फुफ्फुस शिरा प्योर ब्लड को कैरी करता है, इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, फुफ्फुस शिरा जो है, ये फुफ्फुस शिरा ये प्योर ब्लड को कैरी करता है, ये क्या करता है, ये प्योर ब्लड को कैरी करता है, ये क्या करता है, प्योर ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, ये हमारे जो, ये जो यहाँ पे क्या आ गए, ऑक्सीजनित मतलब शुद्ध रक्त हमारे किस में आ गए, बायां अलिंद में आ गए, ये शुद्ध रक्त हमारे बायां अलिंद में आ गए। और यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ था, इसको हम लोग बोलते हैं द्विदलीय कपाट, या बाइक्यूपसिड बल्ब बोलते हैं, इस द्विदलीय कपाट को बाइक्यूपसिड बल्ब बोलते हैं। और इसके द्वारा हमारे इस एक बूंद बूंद करके इस बायां अलिंद से, ये जो बायां अलिंद से, ये बायां नीला में ये बूंद बूंद करके इसमें रक्त जमा हो जाते हैं, इसमें ऐसे कर करके इसमें क्या होते हैं, ये शुद्ध रक्त जमा हो जाते हैं। फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए, एक मिनट इसको थोड़ा सा रब करते हैं, ठीक है, आपको फिर से बताते हैं हम लोग। एक मिनट दीजिएगा, थोड़ा सा हमको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो लंग्स है, हम लोग जब सांस लेते हैं, यहाँ से ऑक्सीजनित ब्लड सबसे पहले किस में आते हैं, फुफ्फुस धमनी के द्वारा बायां अलिंद में आते हैं, और बायां अलिंद से द्विदलीय कपाट के द्वारा ये बाइक्यूपसिड वाल्व जो है, द्विदलीय कपाट बाइक्यूपसिड वाल्व के द्वारा इसमें, वाल्व के द्वारा इसमें क्या आते हैं, शुद्ध रक्त आते हैं, इसमें क्या आते हैं, शुद्ध रक्त आते हैं। वही बात यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, बायां हिस्सा में शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन युक्त रक्त होते हैं, बायां हिस्सा में क्या होते हैं, शुद्ध रक्त या ऑक्सीजन युक्त रक्त होते हैं। अब बताइए, ये जो शुद्ध रक्त है, ये कहाँ पे आ गए, बायां नीले में आ गए, ये कहाँ पे आ गए, बायां नीले में आ गए, ठीक है। समझ पा रहे हैं क्या बातों को, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा प्लीज़।
अब बातें शुद्ध रक्त कहाँ पे आ गए, हमारे बायां नीले में आए हुए। अभी शुद्ध रक्त हमारे कहाँ पे आए हुए हैं, ये बायां नीले में आए हुए हैं। अब देखिए ये बायां नीले से, ये बायां नीले से, ये बायां नीले से महाधमनी के द्वारा, ये बायां नीले से डायरेक्ट महाधमनी के द्वारा, ये बायां नीले से महाधमनी के द्वारा, किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा, ये जो शुद्ध रक्त कहाँ पे अभी है यहाँ बताइएगा। तो शुद्ध रक्त कहाँ पे है, बायां नीले में है। शुद्ध रक्त कहाँ पे है, बायां नीले में है। और बायां नीले से ये महाधमनी के द्वारा, महाधमनी के द्वारा कहाँ पे जाएंगे, हमारे ऑर्गन्स जाएंगे, ऑर्गन्स में जाएंगे, हमारे शरीर के अंग में जाएंगे, हमारे शरीर के कहाँ पे जाएंगे, अंग में जाएंगे। उसके बाद बताइए, एक मिनट हाँ तो बताइए, इस ये जो शुद्ध रक्त है, ये शुद्ध रक्त कहाँ चला गया, हमारे शरीर के अंग में गया, ऑर्गन्स में गया, और ऑर्गन से टिशू में, टिशू इसका हिंदी होता है ऊतक होता है, कहाँ चले गए उसके बाद बताइए। तो ये शुद्ध रक्त कहाँ गए, इसके शुद्ध रक्त महाधमनी के द्वारा, शुद्ध रक्त किसके द्वारा, महाधमनी के द्वारा हमारे ऑर्गन्स में गए, ऑर्गन से टिशू में गए, टिशू से सेल में गए, टिशू से किस में गए, सेल में गए। और यहाँ पे सेल में आप लोगों को ये बात पता होगा, ये जो सेल जो होता है, यहाँ पे आपको सेल जो दिख रहा होगा, कोशिका जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कोशिका, ये कोशिका हमारे शरीर की छोटी सी, सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है, हमारे शरीर की छोटी से सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये कोशिका ही होती है, ये कोशिका, ये सेल जो बोलते हैं। यहाँ तक जब हमारे ये जो ब्लड शुद्ध ब्लड चला गया, तो यहाँ पे हमारे जो ब्लड होता है ये अशुद्ध हो जाता है, या मतलब ऐसे बोल सकते हैं ऑक्सीजन विहीन हो जाता है, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा खत्म हो जाती है। तो अब बताइए यहाँ पे क्या बचा है, अशुद्ध रक्त बचा है इस सेल में, क्या बचा है, जब ये सेल में आने के बाद, जब सेल में आ गया, कोशिका में आ गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, अशुद्ध हो गया वो रक्त। अब ये अशुद्ध रक्त जो है ये महाशिरा के द्वारा, ये अशुद्ध रक्त महाशिरा के द्वारा, मतलब इम्प्योर ब्लड को महाशिरा के द्वारा सबसे पहले दायां अलिंद में आता है। कहाँ पे आता है, दायां अलिंद में आता है। आप लोग प्लीज़ ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, एक एक बात को बताइए। ये सेल में, सेल में क्या था, सेल में क्या था, अशुद्ध ब्लड हो गया था, अशुद्ध ब्लड यानी इम्प्योर ब्लड महाशिरा के द्वारा सबसे पहले कहाँ पर आया है, कहाँ पर आया है, दायां अलिंद में आया है। कहाँ पर आया है, दायां अलिंद में आया है। कहाँ पर आया है, दायां अलिंद में आया है। अब बताइए दायां अलिंद में क्या है, अगर आपसे कोई कभी पूछा जाए तो दायां अलिंद में क्या है, क्या बताइएगा, इम्प्योर ब्लड है, इट मीन्स अशुद्ध रक्त है। क्या है, अशुद्ध रक्त है, क्या है, अशुद्ध रक्त है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, बताइए तो दायां अलिंद में क्या है, अशुद्ध रक्त है। बताइए दायां अलिंद में क्या है, अशुद्ध रक्त है। अब देखिए इसमें जो अशुद्ध रक्त आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये अशुद्ध रक्त, ये ट्राइक्यूप्सिड बॉल्ब, यहाँ पे एक ट्राइक्यूप्सिड बॉल्ब लगा हुआ आता है, जिसको हम लोग त्रिदलीय कपाट बोलते हैं, यहाँ पे लिखा होगा त्रिदलीय कपाट। ये त्रिदलीय कपाट के द्वारा ये अशुद्ध रक्त धीरे धीरे कर करके हमारे दायां नीले में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, दायां नीले में आते हैं। कहाँ पे आते हैं, ज़रा फिर से बताइएगा आप, हम लोग आप लोग बताइएगा हमें कहाँ पे आता है, दायां नीले में आते हैं। एक मिनट ज़रा फिर से बताइएगा, ये देखिए ये जो है यहाँ पे, ये महाशिरा के द्वारा इम्प्योर ब्लड सबसे पहले कहाँ पे आया, दायां अलिंद में आया। और दायां अलिंद में ट्राइक्यूप्सिड बॉल्ब के द्वारा, ट्राइक्यूप्सिड बॉल्ब के द्वारा, ट्राइक्यूप्सिड बॉल्ब या त्रिदलीय कपाट के द्वारा, त्रिदलीय कपाट के द्वारा इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त कहाँ पर आया, दायां नीले में आया। कहाँ पर आया, दायां नीले में आया। अब बताइए तो अशुद्ध रक्त हो गया, ये तो हमारे लिए हानिकारक हो जाएगा, मतलब अशुद्ध रक्त का तो हमारे शरीर में कुछ काम है ही नहीं। तो बताइए ये शुद्ध होने के लिए फिर से कहाँ जाएंगे, आप लोग बताइएगा, ये शुद्ध होने के लिए फिर कहाँ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, अशुद्ध रक्त है, दायां नीले में 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 क्या, अशुद्ध रक्त। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, दायां नीले में क्या है, अशुद्ध रक्त, इसमें क्या है, अशुद्ध रक्त। बताए अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए फिर से कहाँ जाएंगे, अशुद्ध मतलब क्या, अशुद्ध रक्त मतलब क्या, उसमें ऑक्सीजन खत्म हो गया, उसमें क्या हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। और बताइए जब ये जो ब्लड हो गया, ये ब्लड अब ऑक्सीजन शुद्ध होने के लिए, इट मीन्स ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ पर जाएगा, ऑब्वियस सी बात है लंग्स के पास जाएगा। ये रहा लंग्स, देखिए आप लोग ये सांस लेते हैं ना, हम लोग जब कहाँ सांस लेते हैं, फेफड़े से सांस लेते हैं, ये बताइए कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। नहीं समझे, चलिए एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं, एक बार फिर से बताते हैं हम, ठीक है, चलिए बताइएगा। तो देखिए ये बताइए, ये जो इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड कहाँ पे आया, सबसे पहले दायां नीले में, सॉरी दायां अलिंद में आया,
और दया अलिंद में त्रिदलीय कपाट के द्वारा, त्रिदलीय कपाट के द्वारा, ये त्रिदलीय कपाट है आपका, इसके द्वारा धीरे धीरे कर करके इम्प्योर ब्लड दया निलयम आ गया। इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त का तो हमारे शरीर में कुछ काम है नहीं, तो ये शुद्ध होने के लिए कहाँ जाएगा, या ऑक्सीजनित होने के लिए, ऑक्सीजन युक्त होने के लिए जाएगा। तो ऑक्सीजन तो आप हम लोग फेफड़े से सांस सांस जो लेते हैं वो कहाँ पे ऑक्सीजन आता है, लंग्स में, सीधी सी बात है, लंग्स में जाएगा। ये फिर कहाँ चला जाएगा, ये फिर कहाँ चला जाएगा, लंग्स में चला जाएगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये कहाँ जाएगा बताइए, तो शुद्ध होने के लिए कहाँ चला जाएगा, ये लंग्स में चला जाएगा, ये लंग्स में ये चला जाएगा। अब बताइए ये लंग्स में इसको कौन ले जाएगा, कोई तो ऐसा होगा, कोई तो ऐसा पर्टिकुलर गाड़ी वाहन कोई तो होगा जो इस इम्प्योर ब्लड को, जो इस इम्प्योर ब्लड को लंग्स के पास ले जाएगा, वो ये गाड़ी रहेगी, वो फुफ्फुस धमनी है। वो क्या है, फुफ्फुस धमनी है। ये ब्लड क्या जाएगा, फॉर ऑक्सीजनेशन, ये ऑक्सीजनेशन होने के लिए लंग्स के पास जाएंगे। किसके, कौन ले जाएगा इसको, फुफ्फुस धमनी ले जाएगा इसको, कौन ले जाएगा, फुफ्फुस धमनी ले जाएगा इसको, कौन ले जाएगा, फुफ्फुस धमनी ले जाएगा। समझ गए, आई होप कि इसको समझे होंगे आप लोग बहुत अच्छे से। आप लोग फिर से एक बार रफली बताते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। बताइए तो सबसे पहले प्योर ब्लड हमारे किस में आते हैं, दाया, एक मिनट, शुद्ध रक्त कहाँ पर आते हैं, बायां अलिंद में आते हैं, और बायां अलिंद में द्विदलीय कपाट के द्वारा बायां निलय में आते हैं, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर शुद्ध रक्त, ये शुद्ध रक्त कहाँ जाते हैं, महाधमनी के द्वारा ऑर्गन्स में जाते हैं, ऑर्गन से टिशू में जाते हैं, टिशू से सेल में जाते हैं, और सेल में फिर ये ऑक्सीजन इसका ख़त्म हो जाता है। हमारे ब्लड में जब ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है तो ये अशुद्ध हो जाता है। तो ये अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए महाशिरा के द्वारा सबसे पहले दायां अलिंद में आते हैं, और दायां अलिंद से ये दायां अलिंद में आ गए, और ये दायां अलिंद से त्रिदलीय कपाट के द्वारा, त्रिदलीय कपाट के द्वारा, यहाँ पे त्रिदलीय कपाट लगा, थोड़ा सा वर्व लगा हुआ जो यहाँ पे खुला था, हल्का हल्का सा इसमें धीरे धीरे करके आता है, त्रिदलीय कपाट के द्वारा दायां निलय में आता है, और दायां निलय में यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड, ये आपको इम्प्योर ब्लड दिख रहा है, ये इम्प्योर ब्लड अशुद्ध रक्त शुद्ध होने के लिए, और या ऑक्सीजन ऑक्सीजन लेने के लिए कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाएगा, और ये लंग्स के पास कौन इसको लेकर जाएगा, फुफ्फुस धमनी लेकर जाएगा। आई होप कि इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझे होइएगा, ठीक है। अब इसी बात को थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक ना झिल्ली दिख रही होगी, एक मेम्ब्रेन दिख रही होगी, एक मेम्ब्रेन यहाँ पे ऐसे कर करके हार्ट के ऊपर मेम्ब्रेन रहती है, जो इसको बहुत ही अच्छे से जकड़े हुए रहती है, ताकि ज़्यादा फैलने नहीं देती है, बहुत ही ये मजबूत ये झिल्ली होती है। इस झिल्ली को हम लोग बोलते हैं पैराकार्डियल झिल्ली, इस झिल्ली को हम लोग क्या बोलते हैं, पैराकार्डियल झिल्ली, क्या बोलते हैं इस झिल्ली को हम लोग, पैराकार्डियल झिल्ली, क्या बोलते हैं, पैराकार्डियल झिल्ली बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। बताइए तो ये जो यहाँ पे क्या बोलते हैं, हमारे हार्ट के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है, एक हमारे हार्ट के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं, पैराकार्डियल झिल्ली कहते हैं, उस झिल्ली को क्या कहते हैं, पैराकार्डियल झिल्ली कहते हैं, समझ गए। तो चलिए इसी बातों को अब आप लोगों को थोड़ा सा लिखा हुआ मिलेगा, दिखाते हैं आप लोग, समझाते हैं। धमनियाँ, धमनियाँ ये प्योर ब्लड को हार्ट से बॉडी ऑर्गन्स तक ले जाती है, ये क्या करती है, ये प्योर ब्लड को हार्ट से बॉडी तक ले जाती है धमनियाँ। उस सिरा कौन होती है, ये इम्प्योर ब्लड को हार्ट के पास लाती है, ये क्या करती है, आपको पता होगा इम्प्योर ब्लड, यहाँ पे हमने एक फ़ोटो बनाया तो यहाँ पे ये कहाँ पे लाती थी, ये हार्ट के पास लाती थी, ये इम्प्योर ब्लड यहाँ पे, समझ गए। और देखिए हमारे हार्ट में जब एक बार संकुचन होता है, आप लोग महसूस कीजिए होइएगा, यहाँ पे जो हम लोगों के हार्ट में जो ये जो संकुचन होता है, ये बताइए तो एक मिनट में कितनी बार होता है, 72 बार पर मिनट होता है, ठीक है, 72 बार क्या होता है, पर मिनट होता है। और बताइए तो फीमेल में कितनी बार होता है, 80 बार माना गया है, फीमेल में 80 बार पर मिनट होता है, मतलब एक मिनट में 80 टाइम्स होते हैं फीमेल में, और मेल में 72 टाइम्स वही होती है। हमारे शरीर में एक बार में संकुचन होने से 70 से 90 ml ब्लड आता है, समझ गए, 70 से 90 ml ब्लड आता है। अब बताइए सबसे बड़ी धमनी क्या होती है, महाधमनी होती है, जिसे हम लोग ऑर्टा बोलते हैं, ऑर्टा बोलते हैं। उसके बाद सबसे छोटी धमनिकाएँ होती है, सबसे बड़ी सिरा महाशिरा, सबसे छोटी सिरा सिरिकाएँ होती है, ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हम आप लोगों को यही बात बताए थे, हमारे हार्ट में कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं, दाया भाग बायां भाग, लेफ्ट पार्ट कैरीज प्योर ब्लड, मतलब बायां भाग में क्या होते हैं, प्योर ब्लड होते हैं या ऑक्सीजनेट ब्लड होते हैं, एंड राइट पार्ट कैरिज इम्प्योर ब्लड, यहाँ पे इम्प्योर लिखा हुआ, इम्प्योर ब्लड, इम्प्योर, राइट पार्ट कैरिज इम्प्योर ब्लड या डी ऑक्सीजनेट ब्लड या ऑक्सीजन विहीन ब्लड, ठीक है, एक मिनट इसको जरा थोड़ा सा। अपर पार्ट ऑफ हार्ट इज कॉल्ड ऑर्टिकल या ऑर्टियम,
मतलब जो ऊपरी भाग होता है हमारे हार्ट का, हमारे हार्ट का ऊपरी भाग हम लोग क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते हैं, एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड वेंट्रिकल, वेंट्रिकल या नीलक। हमारे हार्ट में अभी हम आप लोगों को बताए थे ऐसे जो बातें, ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, आलिंद बोलते थे, निचले भाग को नीलिया बोलते हैं, निचले भाग को क्या बोलते हैं, नीला, और ऊपरी भाग को आलिंद बोलते थे। आपको पता होगा हमने बताए थे वही बात लिखा हुआ कि अपर पार्ट इज कॉल्ड, अपर पार्ट इज कॉल्ड आलिंद एंड लोअर पार्ट इज कॉल्ड नीला वेंट्रिकल। ठीक है, लंग्स से प्योर ब्लड सबसे पहले पल्मोनरी वेन या फुफ्फुस, फुफ्फुस या फुफ्फुस होगा। ठीक है, लंग्स से प्योर ब्लड, लंग्स से प्योर ब्लड सबसे पहले पल्मोनरी वेन या फुफ्फुस शिरा के द्वारा हार्ट के बायां आले में पहुँचते। आपको पता होगा यही बात बताई भी थे वही बात लिखा हुआ यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, लंग्स से प्योर ब्लड सबसे पहले पल्मोनरी वेन या फुफ्फुस, या फुफ्फुस लिखा गया, फुफ्फुस शिरा के द्वारा हार्ट के बाएं आलिंद में पहुंचता है। बाएं आलिंद से ये ब्लड बाइक्यूपिड वॉल्व या द्विदलीय कपाट के द्वारा बाएं नीला में पहुंचता है। बाएं नीले से ये रक्त धमनी के द्वारा कहाँ पे जाता है, बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँचाए जाते हैं। कहाँ जाते हैं, बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँचाए जाते हैं। आप लोग इस बात को अगर चाहें तो नोट डाउन भी, राइट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। पूरे शरीर से इम्प्योर ब्लड वेना कावा या महाशिरा, वेना कावा या महाशिरा के द्वारा हार्ट के दाएं आलिंद में पहुंचता। आपको पता होगा दाएं बाएं भाग में आपको बताए भी थे कि ये जो इम्प्योर ब्लड का कैरी को कौन करता है, महाशिरा करता है, जो इस साइड में बना हुआ था ऐसे करके, ऐसे हमारा हार्ट था तो यहाँ से आता था इम्प्योर ब्लड। सबसे पहले बताए कहाँ पर आया था, दाया आलिंद में आया था। कहाँ पर आया था, दाया आलिंद में आया था। ठीक है, समझ गए कहाँ पर आया था, दाया आलिंद में आया था। और दाया आलिंद में कौन लाया था, ये महाशिरा ही लाया था। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट को देखते हैं। दाया आलिंद से ये रक्त ट्रैक्यूपिड वॉल्व, अब बताइए जो यहाँ पे हम लोग बनाए थे तो आपको पता होगा यहाँ पे था, यहाँ पे एक बॉल्व लगा हुआ था, उस बॉल्व का नाम बताइएगा क्या नाम था, ट्रैक्यूपिड या त्रिदलीय कपाट के द्वारा कहाँ पर आया था, दाया नीलिया में आया था। कहाँ पर आया था, दाया नीलिया में आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस पॉइंट को देखते हैं। हार्ट के ऊपर एक मिनट, हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन या झिल्ली होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पैराकार्डियल मेम्ब्रेन या पैराकार्डियल झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन या झिल्ली होती है जिसे पैराकार्डियल झिल्ली कहते हैं या पैराकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, अब इस पॉइंट पर आते हैं। हार्ट की स्टडी को कार्डियोलॉजी कहते हैं। आपको पता होगा हार्ट की स्टडी को, स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। ठीक है, हार्ट का वेट 250 से 350 ग्राम होता है। हार्ट का जो भार होता है वो 250 से 350 ग्राम होता है। हार्ट एक लीनियर मसल से बनी होती है, वो जो जिस मसल से बनी होती है वो क्या होती है, लीनियर होती है, जिसे हम लोग कार्डियक मसल्स कहते हैं। और इसी कार्डियक मसल्स के कारण ही हम लोग इसको क्या कहते हैं, इसके स्टडी को कार्डियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, मतलब इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है, हार्ट का स्टडी मतलब हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, समझ गए, हार्ट के अध्ययन को क्या कहते हैं, कार्डियोलॉजी कहते हैं। अब बताइए यहाँ पे देखिए, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ इस पॉइंट पर आते हैं। हार्ट अटैक के पहले आवर को गोल्डन आवर कहते हैं। यस, दिस इज द इम्पोर्टेंट फैक्ट। यस, ये हार्ट अटैक को पहले आवर, जैसे हार्ट अटैक किसी आदमी को आया तो उस एक घंटे के दौरान को हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं। उस पर्सन के लिए जिसको हार्ट अटैक आता है उसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डन आवर होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हार्ट अटैक के रोगियों को बी ब्लॉकर नामक दवाई दी जाती है। हार्ट अटैक नामक रोगियों को कौन सी दवा दी जाती है, बी ब्लॉकर नामक दवा दी जाती है। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण, हार्ट ट्रांसप्लांट जो होता है वो कौन किए थे, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नाल्ड ने 3 दिसंबर 1967 को साउथ अफ्रीका में किया था। पूरे विश्व की बात करें यहाँ पे, ये क्या है, पूरे विश्व की बात करें यहाँ पे, पूरे विश्व में क्या हुआ था, पूरे विश्व में सबसे पहला हृदय प्रत्यारोपण या ट्रांसप्लांट कहाँ पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। और कौन किए थे, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नाल्ड 3 दिसंबर 1967 को। और अपने भारत में कब हुआ था, अपने भारत में बता सकते कोई, भारत का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट डॉक्टर पी वेणुगोपाला ने 3 अगस्त 1994 को एम्स न्यू दिल्ली में किया था। ठीक है, समझ गए, चलिए आगे बढ़ते। हार्ट को रेगुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। आप लोग कमेंट करके बताइएगा तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होते हैं, ये यहाँ पे है ना पिट्यूटरी ग्लैंड, ये बताइएगा तो कहाँ पे होते हैं। हार्ट अटैक को कार्डियक
अरेस्ट भी कहते हैं, ये जो हार्ट अटैक होता है इसको हम लोग कार्डिक अरेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो को देखिएगा, आगे तो कुछ है नहीं, चलिए तो समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको आप लोग चाहे तो आप इसको राइट डाउन भी कर सकते हैं, यहाँ से आपको दिखाते हैं शुरू से, यहाँ पे था, इसके आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए ले लिए होंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और इसको लिखने की कोशिश भी कीजिएगा यहाँ पे। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं या इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। चलिए इसको भी देख लीजिएगा एक बार, आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा ताकि समझने में आसानी होगी। हार्ट अटैक के रोगी को बी ब्लॉक का नमक दवा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यस, ख़त्म। तो थैंक यू।